हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो बच्चे जिस टाइम देख रहे हैं उसके लिए। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी जो चैप्टर है डेरिवेटिव्स। ठीक है, आपकी जो एक्सरसाइज है वो हमारी क्या है, 7.2, और बुक आपकी कौन सी है, एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो हम देखिए स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारे जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 7.2 का हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिस स्टूडेंट ने नहीं किया है वो तो प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड में 3 पार्ट हमारे, तीनों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे अच्छे से, और आपने अच्छे से इनके प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए, हमारे पास जो थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है, इसमें y इज इक्वल टू a साइन स्केयर एक्स प्लस b कोस स्केयर एक्स, इसका हमने डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट करना है इसका विद रिस्पेक्ट टू x करना है इसमें। तो y का हमारा क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। अब इसमें देखिए हमारे पास जो a है वो मल्टीप्लाई में है और ये कॉन्स्टेंट है यहाँ पे a, इसको हम सेम लिखेंगे। अब हम करेंगे इसका डेरिवेटिव। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले जो पावर है इस पावर को हम आगे लेके आएंगे, 2 पावर आगे आ जाएगी, 1 पावर यहाँ से कम हो गई। उसके बाद हम डेरिवेटिव किसका करेंगे, इसमें साइन एक्स का, प्लस सेम ऐसे इसके अंदर देखिए जो 2 है वो 2 पावर आगे आ जाएगी, 2b कोस एक्स, 1 पावर हमारी कम हो गई। उसके बाद डेरिवेटिव कोस एक्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो पावर है वो आगे आ जाएगी 2b, 1 पावर यहाँ पे बचेगी इसके अंदर। उसके बाद डेरिवेटिव किसका होगा, कोस एक्स का। अब करिए इसको आगे, 2a साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, कमेंट करिए जल्दी से, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए कोस एक्स प्लस 2b कोस एक्स। अब यहाँ पे कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देते हैं हम माइनस साइन एक्स। अब दोनों में से देखिए कॉमन क्या है, 2 कॉमन आ जाएगा, एक तो हमारा इसमें साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, कोस एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा a, इधर b बचेगा, a माइनस बी। अब यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी है, देखिए 2 sin x cos x, ये किसकी आइडेंटिटी होगी हमारी, साइन 2x, और ये a माइनस बी आपका सेम रहेगा इसमें, ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल ईजी, स्टेप बाय स्टेप आप करोगे तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा इसमें। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए बच्चों, इसमें हमारे पास जो सेकेंड पार्ट है वो क्या कह रहा है, इसके अंदर y इज इक्वल टू कोट क्यूब एक्स माइनस टेन रूट एक्स। अब इसका करेंगे डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे जो वाई है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ देखिए पावर हमारी कितनी है, 3 है, तो 3 पावर क्या जाएगी आपकी, आगे आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, 3 cot square x, 1 पावर हमारी कम होगी, 3 पावर यहाँ पे क्या बचेगी, 2 पावर। उसके बाद डेरिवेटिव कोट एक्स माइनस, यहाँ पे टेन का डेरिवेटिव क्या होगा इसमें, सीकेंट स्केयर रूट एक्स। उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे किसका, रूट एक्स का। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, इसमें पावर आगे आ जाएगी, कोट सेम रहेगा, 2 पावर बचेगी। उसके बाद डेरिवेटिव कोट एक्स का, यहाँ पे टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्केयर रूट एक्स, अब करेंगे डेरिवेटिव किसका, रूट एक्स का, 3 cot square x इंटू। अब कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, आपने याद किया होगा पहले ये, कोसिकेंट स्केयर एक्स माइनस सीकेंट स्केयर रूट एक्स डिवाइड में। अब देखिए यहाँ पे जो रूट एक्स है उसका डेरिवेटिव हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे। आपको पहले भी बेसिक वीडियो में हमने बताया था रूट एक्स का क्या हो जाएगा, 2 by √x, ये इसके अंदर आंसर आ जाएगा। और आगे थोड़ा लिखना चाहो लिख भी सकते हो आप, माइनस का 3 कोसिकेंट स्केयर एक्स कोट स्केयर एक्स माइनस सीकेंट स्केयर रूट एक्स डिवाइड में 2 √x, ये इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड पार्ट का। देखिए आपका जो थर्ड क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, ठीक है, देखिए उसको हम कैसे करेंगे, इसका हमने क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का क्या हो जाएगा, dy/dx। अब इसमें देखिए सबसे ऊपर जो पावर है, ये होल पावर हमारी 5/2, जो पावर है वो आगे आ जाएगी 5/2 x tan x माइनस x² sin x + secant x।
एक पावर इसमें से कम हो जाएगी, 5/2 में से आप माइनस का 1 करोगे तो आपकी कितनी बचेगी यहाँ पे पावर 3/2। क्या पावर बचेगी इसमें, 3/2 पावर बचेगी। उसके बाद डेरिवेटिव किसका होगा, देखिए हमने सिर्फ पावर का किया इस स्टेप में, अब करेंगे इसका बेस कंप्लीट, इसका डेरिवेटिव एक्स टेन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सीकेंट एक्स। अब इसका करेंगे डेरिवेटिव, ये वैल्यू आपकी एज इट इज रहेगी यहाँ पे 5/2 एक्स टेन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सीकेंट एक्स पावर 3/2 इंटू। अब यहाँ देखिए यहाँ पे दो फंक्शन हैं एक्स और टेन एक्स, दो फंक्शन तो यहाँ पे क्या लगा देंगे u इंटू वी, ठीक है u सेम टेन एक्स का डेरिवेटिव d/dx टेन एक्स प्लस उसके बाद टेन एक्स सेम डेरिवेटिव ऑफ x, ये हमने किसका किया इसमें यहाँ पे u इंटू वी लगा दिया इसके अंदर, ठीक है। अब ऐसे इसमें कर देंगे, देखिए नेगेटिव ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे यहाँ से, यहाँ भी u इंटू वी लगा देंगे इसमें, तो यहाँ पे देखिए u सेम डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स सेम डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमने यहाँ से यहाँ तक लगा दिया इसमें u इंटू वी प्लस। उसके बाद देखिए सीकेंट, सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होगा इसमें सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। अब देखिए इसमें हम जो भी डेरिवेटिव होगा वहाँ पे डेरिवेटिव कर देंगे, अब देखिए ये वैल्यू सेम रहेगी आपकी 5/2 एक्स टेन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सीकेंट एक्स की पावर 3/2 मल्टीप्लाई एक्स, यहाँ पे टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा इसके अंदर सीकेंट स्क्वायर प्लस टेन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव आपका क्या रहेगा 1, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव एक्स स्क्वायर सेम रहेगा यहाँ पे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, साइन एक्स सेम रहेगा प्लस दिस वैल्यू सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके बच्चों, चलो अब नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं इसमें, ये कंप्लीट है यहाँ पे, ऐसे हम बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे बिग ब्रैकेट इधर। ये वैल्यू सेम एज इट इज 5/2 एक्स टेन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सीकेंट एक्स इसकी पावर 3/2 प्लस। अब यहाँ देखिए अब ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे, यहाँ पे क्या जाएगा एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स माइनस प्लस माइनस 2x साइन एक्स, ठीक है। ये माइनस इसके बाहर था, ये हमारा प्लस का रहेगा सेम प्लस सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया इसके अंदर। तो हमने देखो आज हमने क्या किया इसमें, जो क्वेश्चन नंबर आपका जो थर्ड है उसके हमने तीन पार्ट थे, हमारे तीनों पार्ट हमने कवर कर लिए हैं, इनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और इससे पहले जो 7.1 एक्सरसाइज है और 7.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन नहीं किया है तो वो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।